गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कसन बा। ओके बेटा, अभी अपन क्या करेंगे, ऑसिलेशन का न्यूमेरिकल सब कर लेंगे पटक पटक से, ठीक है। तो यहां मैं बहुत मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस लिख पाया हूं। देखते हैं कि हम लोग आज का टाइम के हिसाब से इतना कर पाते हैं कि नहीं। सेट नहीं के बराबर वीडियो ऑन किया कि नहीं मैंने? किया किया। हाँ तो देखिए, मैंने 8th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले का क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ठीक है, जो कि आपको लिखकर जमा करना है मुझे, ठीक है। चलो तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड Given that the path length of SHM is 10 centimeter. सर कुछ समझ में नहीं आया, पता है मेरे को, तुम क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ो, ऐसे एक साथ से मत पढ़ो। क्या बोल रहा, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन, यहां तक एक ब्रेक, यानी मीन पोजिशन से कितने दूरी पर, ओके, इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, यहां पर फिर पॉज लो कि भाई एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, उसका स्पीड हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, यानी किसी पार्टिकल का जो SHM करता है, सुनिए ध्यान से, एक पार्टिकल जो SHM करता है उसका मैक्सिमम स्पीड जितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है, उसका आधा कहां पे होगा, ऐसा पूछ रहा है। समझ गए? तो क्या पूछ रहा है ना भाई, वेलोसिटी इज हाफ ऑफ V मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कितना, समझ में आया, वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड एट x इज इक्वल टू कितना। सर आपको कैसे समझ में आया कि x पूछ रहा है, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन लिखा है, और आप जानते हैं अच्छे से कि मीन पोजिशन से डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM विच इज एब्रीविएटेड एज x, और फिर लिख रहा है कि द स्पीड इज हाफ इट्स मैक्सिमम, तो उसके लिए बराबर लिखा मैंने। अब ये दिया हुआ है कि पाथ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, अब यहां पर कुछ लोगों को गलत फहमी होती है, पाथ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर पढ़ते बराबर वो क्या बोलते हो पता है, वो बोलता है कि एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। क्या बोलते हैं वो, कि एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, बेटा गलत गलत, पाथ लेंथ इस 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर कोई पार्टिकल ये मान लो एक एक्सट्रीम है और ये मान लो दूसरा एक्सट्रीम है, ठीक है, तो बीच में क्या होगा, बीच में होगा मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पाथ है, जिस दायरे में वो अबड़ुंग अबड़ुंग हो रहा है, जिस दायरे में वो अबड़ुंग अबड़ुंग हो रहा है, वो दायरे का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब बताइए यहां से यहां तक कितना एम्पलीट्यूड होता है, इधर एक एम्पलीट्यूड, इधर एक एम्पलीट्यूड, ये लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी ट्वाइस द एम्पलीट्यूड इज गिवन 10 सेंटीमीटर। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना चुपके से अगर किसी ने एम्पलीट्यूड लिख दिया 10 सेंटीमीटर, आंसर सीधा गलत हो जाएगा। आगे क्या है वे? आगे तो फॉर्मूला है, तुमको तो मैंने 50 बार बोला है कि वी मैक्स याद कर लो, वी मैक्स याद कर लो, V max का फॉर्मूला होता है A ओमेगा, याद है, V max का फॉर्मूला क्या होता है, A ओमेगा, दिस इज V max, और V का फॉर्मूला क्या होता है वो भी याद कर लो, V का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, V का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। अब सब तो दिया है यार, ओमेगा कैंसिल हो गया, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग मार दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फिर ए स्क्वायर बाई फोर को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा ना, ये इधर आएगा, तो वन माइनस वन बाई फोर थ्री बाई फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जाला फिर क्या करने का, दोनों साइड रूट कर दो, क्योंकि अपने को एक्स चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट थ्री ए बाई टू,
प्लस माइनस रूट थ्री ए बाई टू, और ए कितना है अगर देखा जाए तो ए आएगा 5, यहां से ए कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर 5 पुट करो तो x इज अंडर रूट 5 रूट 3 बाई 2, दिस इज द आंसर इन सेंटीमीटर, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन MHCET में बहुत आते हैं। क्या बोल रहा कि ये रहा भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन, बताओ फ्रीक्वेंसी और पीरियड कितना होगा, बताओ। तो तुम क्या करो, तुम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो जो तुम जानते हो कि भाई किसी SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसा होता है। और हमें क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस छत्तीस एक्स। अब अगर इसे और इसे कंपेयर किया जाए, कंपेयर अगर किया जाए तो कोई अंधा भी बोल सकता है कि ओमेगा स्क्वायर इज 36। अब बताओ तुम लोग से कौन अंधा है, कोई अंधा भी बोल सकता है कि ओमेगा स्क्वायर इज 36। तो कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर इज 36, तो ओमेगा इज सिक्स। और क्या पूछ रहा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, तुम फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, 2 into pi into f इज इक्वल टू 6, तो यहां से f निकाल लो, f क्या होगा 6 upon 2 pi, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो हर्ट्ज में होगा। एंड पीरियड, अब पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो t इज इक्वल टू 1 by f, तो f अगर 3 by pi है तो 1 by f कितना होगा, पाई बाई 3 सेकेंड, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। समझा, इजी था ना क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन JEE में नहीं आते, MHCET में आ सकते हैं, और स्टेट बोर्ड में किस्मत अगर अच्छा रहा तो आ सकते हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड का पाला अब बदल गया है दादा। अब 10 नंबर देखो, 10 नंबर जो है वो क्वेश्चन किसके बारे है पता है, कपड़ा सिलने क्या बोलते हैं जो कपड़ा सिलते हैं, टेलर वाले का ये कहानी है। सिलिंग मशीन चलाने वाला एक आदमी है, नहीं यहां पर आदमी के बारे कुछ नहीं है, सुनो ध्यान से। सिलिंग मशीन का जो सुई जो है जो वहां पर कपड़ा अंदर रखते, ऐसा करके अपन, अभी तुमको मैं सिलाई करना सिखाता, ऐसा करके अपन कपड़ा डालते ना, और यहां पर सुई आता बीच में, ऐसा करके सुई आता और फिर ऐसा होता है ना, बहुत स्पीड से ऐसे होता है। तो ये भी एक ऑसिलेशन है, देखो ध्यान से देखो, सुई का मोशन को देखो, ये भी ऑसिलेशन है, का समझे, ये भी ऑसिलेशन है। तो क्या लिख रहा है, अ नीडल ऑफ अ सिविंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। सर ने सिखाया हमको, पाथ लेंथ दिया है तो 10 सेंटीमीटर। अबे गधे लोग, पाथ लेंथ नहीं दिया है, ये डायरेक्ट एम्पलीट्यूड दिया है, नहीं दिख रहा तुमको, यहां डायरेक्ट एम्पलीट्यूड ही दिया है, ठीक है। तो लिखने का तुरंत सॉल्यूशन, एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर, ओके, विथ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 हर्ट्ज, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, क्वेश्चन बहुत माइंड ब्लोइंग है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1 upon 30 seconds, ये नंबर देख के डरने का नहीं, कोई भी टाइम दिया उसने, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1 upon 30 seconds आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड द मीन पोजिशन, ओके। तो ये मान लो स्विमिंग मशीन का जो टेबल होता है, ये टेबल है, अब नीडल यहां पर है, मान लो नीडल, ठीक है, तो नीडल यहां से शुरू होता है नीचे आना कपड़े को पार करके, और नीडल कहां तक जाता है, यहां तक जाता है, समझ में आ रहा है, ये जो नीडल है ये शुरू होता है यहां से और कहां तक जाता है, यहां तक, तो ये क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब जाओ, समझा, बहुत सिंपल है। ये बीच वाला लाइन क्या होगा, मीन पोजीशन, ये क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, ये ऊपर वाला क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है,
और ये बीच वाला लाइन मीन पोजिशन है। समझ में आया? तो क्या बोल रहा कि मीन पोजिशन को पार करने के बाद जब समय 1/30 सेकंड हो रहा होगा उस समय नीडल का एक्सेलरेशन बताइए, बताइए। हाँ, एक टेलर बनने के लिए ये सब पढ़ना पड़ता है क्या? चुपचाप कपड़ा लो, सिलाई करो, पैसा लो, घर जाओ। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? तो क्या पूछ रहा है? टू फाइंड, क्या पूछ रहा है? टू फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 1/30 सेकंड, 1/30 सेकंड। बहुत चालाकी है, बहुत अच्छे से बोला है कि आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड द मीन पोजिशन, मतलब मीन पोजिशन को पार करने के 1/30 सेकंड बाद बताइए। तो होता क्या है, बच्चों में एक गलत फहमी आ जाती है। बच्चे सोचते हैं कि सर मेरे पास दो दो फॉर्मूला है, एक है ये -ω² a साइन ओमेगा टी और एक है ये -ω² a कॉस ओमेगा टी। दो फॉर्मूला है बच्चों के पास। बच्चे सोचते हैं कि ये यूज करूं कि ये यूज करूं। बस यहीं पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, समझे? आपको ये यूज नहीं करना है, ये यूज करना है। क्यों, क्यों, कैसे? याद करो मैंने बोला था कि साइन वाला फंक्शन आप कब यूज करते हैं, साइन वाला फंक्शन आप कब यूज करते हैं? जब SHM स्टार्ट होता है मीन पोजीशन से, जब SHM स्टार्ट होता है मीन पोजीशन से। यहां पर जो समय की गिनती हो रही है, यहां पर जो समय की गिनती हो रही है 1/30 सेकंड, ये भी कहां से हो रही है? देखो, आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड द मीन पोजीशन, यानी समय का गिनती जो हो रहा है वो मीन पोजीशन से गिनती हो रहा है, इसलिए हम कॉस नहीं साइन उठाएंगे। समझा तो बोलो, नहीं समझा तो भी बोलो ग्रुप में, ठीक है? तो समझ लेना बात को। देखो, तुमको दिया है समय, तुमसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो तुम जानते हो या तो ये यूज करना है या फिर ये यूज करना है। अब सवाल उठता है कि इसको यूज करे कि इसको यूज करे। तो मैंने आपको बोला था कि जब SHM शुरू होता है मीन पोजीशन पे तो साइन वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम चला, आपको कैसे मालूम चला कि वो सुई कहां से शुरू हुआ है ऑसिलेट करना, कैसे मालूम चला? तो बेटा सुई कहां से शुरू हो रहा है ऑसिलेट करना इससे मुझे मतलब नहीं है। वो मुझसे क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, वो मुझसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है? और समय का गिनती, समय का गिनती कहां से शुरू कर रहा है? When it has crossed the mean position, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि यही वाला फॉर्मूला यूज किया जाए। हाँ, तो करना क्या है? करना यह है कि आपको सारे वैल्यूज पुट कर देने हैं। ओमेगा की जगह लिखना है 2πf और f दिया हुआ है 5 हर्ट्ज। a की जगह पुट करना है एम्पलीट्यूड और वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। टेंशन कोई बात नहीं है यहां पर। तो a इज इक्वल टू -2πf का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन इंटू 2πf इंटू टी। एकदम बराबर लिखा मैंने, ओमेगा की जगह 2πf। अब चलिए, a इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4π स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25। एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो अपॉन करना पड़ेगा 100। फिर साइन, फिर देखिए 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 इंटू टाइम कितना है? 1/30। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए कि 25 इंटू 4 100, 100 ने 100 को मार डाला। और यहां पर देखिए 5 2 10, 10 और ये 0 कट गया, क्या बचा? A इज इक्वल टू माइनस, सब बराबर लिखा कि नहीं मैंने? सब बराबर लिखा। A इज इक्वल टू माइनस ये वाला 4, ये वाला पाई स्क्वायर, ठीक है? और फिर साइन और फिर पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 कितना होता है? साइन 60 यानी √3/2। अब आगे इसको तुम सॉल्व कर लो तो आपका आंसर होगा 2√3π² और यूनिट क्या होगा? हमने सब ऐसा यूनिट में बदल दिया है तो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस साइन का क्या मीनिंग है?
ये माइनस साइन का मीनिंग है, सुनना ध्यान से हाँ, ये माइनस साइन का मीनिंग है कि जब ऑसिलेट करने वाला पार्टिकल 1/30 सेकंड के बाद मीन पोजीशन से इतना दूर आया होगा, मीन पोजीशन से इतना दूर आया होगा, उस समय उसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होगा, यानी इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन ऊपर की ओर डायरेक्टेड है, इसलिए माइनस साइन लगा है। तो आप इसको लिखिएगा कि माइनस साइन का क्या मीनिंग है। हो गया क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या बोल रहा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल ठीक है, परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज 0.1 pi square x square joule। तो जो दिया है पहले वो लिखो, बाद में डरना, तुम डरने के लिए जिंदगी भर पड़ा हुआ है, अभी डरने का नहीं। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 0.1 pi square x square joule। इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द SHM। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ना, एकदम JEE नीट टाइप का नहीं है, नीट टाइप का है बट JEE टाइप का नहीं है, और स्टेट बोर्ड में भी पूछ सकता है। आपको क्या पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, क्या पता है आपको, जल्दी बताओ, आपको क्या पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। पढ़ाया था हमने आपको ½ kx square, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 0.1 pi square x square, x square कैंसिल हो गया, अच्छा हाफ। अगर यहां पर ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो k/m हो जाएगा, यहां पर ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं लिख सकता हूं k/m इज इक्वल टू 0.1 pi square। उसके बाद k/m की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 pi square। और बेटा ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो ओमेगा में फ्रीक्वेंसी छुपा हुआ है, तो m/2 इंटू ओमेगा कितना होता है 2 pi f का स्क्वायर, 0.1 pi square। ऐसा बहुत खुशी होता मेरे को, इधर भी पाई स्क्वायर इधर भी पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अच्छे से लिखो बस, m/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये मांग रहा था, इज इक्वल टू 0.1 into pi square, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, और मास दिया है बेटा 20 ग्राम, तो 20/1000 लिखने का, क्योंकि अपने को SI यूनिट लिखना है केजी में, समझे, मास इज इक्वल टू 20 ग्राम, मतलब 20/1000 kg तो हो गया। और ये वाला 2 लिखने का साइड में, इंटू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1, 0.1 मतलब 1/10। फिर देखो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, बराबर है, तो 2 2 4 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, देखो तो 10 जाएगा ऊपर, 4 जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व करना, इसका आंसर आएगा हर्ट्स में, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आया क्या 11 नंबर। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास दिया हुआ है 2 kg, उसका टोटल एनर्जी दिया हुआ है 40 जूल, टोटल एनर्जी कितना 40 जूल। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट पासेस द मीन पोजीशन अल्टीमेट, वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू 0, मीन पोजीशन। तो बेटा आपको पता है एक बात कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन सर के बाहर ना चला जाए। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी। आपको मालूम है कि एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी होता है मिनिमम कितना 0, और काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम कितना ½ kA square। ये आपको याद रहना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर क्या करना है आपको, बस लिख दो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी की जगह
जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी की जगह 40 जूल और वो स्पीड पूछ रहा है ना। यार एक बात बताओ, शायद मैंने यहां पर थोड़ा बेवकूफी किया है, ये तो बहुत आसान से आ सकता था, इतना ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं था। अबे एक बात बताओ, जिस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगा, समझो बात को, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और तुमको टोटल एनर्जी दिया है 40 जूल, तो दिमाग लगाओ जिस जगह पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है। ये बात को समझो, मान लो 2 + 5 = 7 और मैं तुमको बोलता हूं कि 7 + कितना होगा 7। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, 7 + कितना होगा 7 तो 0। तो समझो, यानी जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा उस समय काइनेटिक ही टोटल होगा, समझ गए ना, जिस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा उस समय काइनेटिक ही टोटल होगा और टोटल क्वेश्चन में दिया है 40 जूल और काइनेटिक एनर्जी का जन्मजात फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर और मैं काइनेटिक एनर्जी को ही टोटल एनर्जी मान सकता हूं जो कि दिया हुआ है 40 जूल। ले बेटा क्वेश्चन तो बहुत ही सड़ू निकला, तो हाफ एम की जगह लिखना है मुझे 2 kg इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। 2 ने 2 को मार डाला तो वी इज इक्वल टू √40 m/s। खत्म, कर लगा। अब लास्ट सुनो, लास्ट क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM ऑफ पीरियड 4 सेकेंड। तो भाई गिवन है टाइम पीरियड 4 सेकेंड, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन, हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। सब इंग्लिश का ओल झोल है सब, ये क्या बोलना चाह रहा है, कितने देर बाद आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन उसका जो पोजिशन होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एम्पलीट्यूड का 1/3 होगा। यानी अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये मान लीजिए मीन पोजिशन है, ये मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू ए है, तो वो बोलता है कि यहां से पार करने के बाद कितने देर बाद वो ऐसा जगह पहुंचेगा, वो ऐसा जगह पहुंचेगा जो x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का 1/3 है। मतलब समझ रहे ना आप, ध्यान से देखिए, मैं यहां देखकर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन हाउ मच टाइम के बाद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड। समझे, यानी आपको x गिवन है कितना, a/3, x गिवन है a/3 और फिर से वही बात बेटा, वो समय कब का पूछ रहा है, आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन, तो ऑसिलेशन कहीं से भी शुरू हो आप x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन यानी आप ये मान सकते, देखिए ऑसिलेशन कहीं से भी शुरू हो, यहां से शुरू हो, यहां से शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, लेकिन समय का गिनती कहां से हो रहा है, मीन पोजिशन से, तो आप ये मान सकते हैं कि मीन पोजीशन से ही ऑसिलेशन शुरू हुआ है। समझे, तो करना कुछ नहीं है, एक्स की जगह लिखना है a/3 इज इक्वल टू ए साइन, ओमेगा की जगह लिखना है 2π/T इनटू छोटा टी, ए ने ए को मार डाला बचा 1/3 इज इक्वल टू साइन 2π/T है आपका 4 सेकेंड इनटू छोटा टी, तो ये आपका हो गया π/T/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3। यहां लिखकर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, इसके बाद में यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, क्या बोलूंगा मैं,
देखिए पाई टी बाई टू का साइन इज 1/3, तो पाई टी बाई टू कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अभी लॉग टेबल का बुक निकालो, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 पता करो और फिर टाइम पता कर लो, तो टाइम विल बी 2/पाई साइन इनवर्स ऑफ 1/3। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, लॉग टेबल से साइन इनवर्स ऑफ 1/3 देख लो या कैलकुलेटर से कर लो, इंटू 2/पाई कर लो, उतना आंसर आएगा तुम्हारा सेकेंड में। समझ में आया? तो ये हमारा 6 क्वेश्चंस हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियो को देखने के बाद खुद से भी एक बार करेंगे, वरना याद रखिएगा दुनिया वाले कभी भी धोखा देने के लिए तैयार है, इसलिए खुद को धोखा मत दीजिए। चलिए फिर।